नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज हम आपको काले धागे का एक खास उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। शनिदेव को न्याय के देवता भी कहा जाता है। शनिदेव न्याय के देवता है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी शनि देव के भक्त हैं, तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाकर जय शनिदेव अवश्य लिखें। आज का यह उपाय करने से आपको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सकारात्मक ऊर्जा से आपका मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आप पर आ रही किसी भी समस्याओं का मिनटों में समाधान हो जाएगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, एक आदमी अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी यह कोशिश करता है कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाए और वह बहुत सारा पैसा कमाए, और उसके लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है। लेकिन दोस्तों, मेहनत करना आम बात है, लेकिन उसका फल पाना सबसे बड़ी बात होती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बावजूद मेहनत करने के उनको उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में किसी का भी मनोबल गिर जाता है। आप भी किसी कार्य में बार बार मिलने वाली असफलता के कई सारे कारण होते हैं। इस सफलता के पीछे दोस्तों, आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा हाथ होता है। आज हम इस वीडियो में आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जाओं में कैसे बदले और आपके घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काले धागे के कुछ खास उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है, तो उस आदमी को यह उपाय करना है। दोस्तों, आप यह उपाय आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय शनि देव का उपाय है, तो आप शनिवार और अमावस्या के दिन ही आप यह उपाय करें। दोस्तों, आपने 1.25 मीटर काला धागा लेना है। दोस्तों, काला धागे का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, आपने यह काला धागा शनिवार के दिन शाम के समय नहा धोकर ही लेना है। दोस्तों, आपने 1.25 मीटर काला धागा लेने के बाद अपने आसपास किसी भी शनिदेव के मंदिर में चले जाना है। अगर दोस्तों आपके आसपास शनिदेव का मंदिर ना हो, तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में भी जा सकते हैं। दोस्तों, अपने घर की पूजा पाठ करने के बाद आपने नजदीकी शनि मंदिर चले जाना है और आपको वह 1.25 मीटर धागा ले जाना है। दोस्तों, आपने शनि देव के मंदिर में जाने के बाद एक तेल का दीपक जलाना है, और आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो, तो आपने तेल का दीपक हनुमान जी को लगा देना है। दोस्तों, तेल का दीपक लगाने के बाद आपने अपने हाथ जोड़कर हनुमान जी या शनि देव से आराधना करनी है। उसके बाद आपने उस काले धागे को लेकर दोस्तों उस दीपक के ऊपर से 7 बारी उतार लेना है। दोस्तों, आपने यह सीधे हाथ की तरफ ही उतारना है। जैसे जिस दिशा में खड़ी घूमती है, उसी दिशा में आपको उतारना है। उसके बाद दोस्तों, आपने उस काले धागे को लेकर उसमें 7 कांटे लगानी है। लेकिन दोस्तों, आपने 7 कांटे लगाकर उस समस्या को बोलते हुए आपको गांठ लगानी है। जी हां दोस्तों, आपने गांठे लगाकर फिर से उस दीपक के ऊपर से काले धागे को घुमा लेना है। आपने हाथ जोड़कर 21 बारी जाप करना है, ओम शन शनिचराय नमः। और यदि आप हनुमान जी के मंदिर में गए हैं, तो आपने ओम ह हनुमंते नमः इस मंत्र का आपको जाप करते हुए आपने उस मंदिर में चुपचाप चले जाना है। दोस्तों, अपने घर वापस आने के बाद जिस व्यक्ति के लिए भी ये कार्य किया हो, उस व्यक्ति के बाजू पर उस काले धागे का एक टुकड़ा लेकर बांध देना है। दोस्तों, अगर धागा बच जाता है, तो आप चाहे तो घर के सारे सदस्यों पर उस काले धागे को लगा देना है। दोस्तों, ये काला धागा आपकी जिंदगी में खुशहाली ले आएगा। आपके किसी भी कार्य में आ रही असफलता दूर हो जाएगी और धीरे धीरे वह असफलता सफलता में बदलने लगेगी। दोस्तों, काला
धागा नकारात्मक ऊर्जा को सौंप लेता है। नकारात्मक ऊर्जा की जगह घर में सकारात्मक माहौल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य बहुत ही ज्यादा कारगर है। काला धागा बहुत ही ज्यादा हमारा बचाव करता है। काले धागे से दोस्तों अगर कोई गलत समस्याएं भी आ रही हैं, तो आप इस काले धागे के उपाय का जो लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बच्चों में अगर बार बार किसी को नजर लग जाती है, अगर किसी भी बड़े या बच्चे को बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है और बुरी नजर लगने के कारण उसका स्वास्थ्य बार बार गिर जाता है और उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो पाता है या उसके सारे कार्य गलत हो रहे हों, उस काले धागे को लेकर उसकी बाजू पर बांध दे। ऐसा करने से उसका नजर दोष खत्म हो जाता है और उसकी जगह दोस्तों उस पर सकारात्मक माहौल और उसका स्वास्थ्य जो होता है वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दोस्तों यदि आपको ग्रह दोष भी है तो काले धागे को बांधने से आपके ग्रह धीरे धीरे आपको सकारात्मक फल देने लगते हैं। अगर आपकी दुकान या आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो बार बार आपको परेशान कर रही है और आपके किसी भी कार्य को चलने नहीं दे रही है, घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति से आपके सारे कार्य बिगड़ने लगते हैं और घर में दोस्तों अशांति का माहौल हो जाता है। घर में आर्थिक रूप से समस्याएं आती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं और हर प्रकार की समस्या आती है जिससे व्यक्ति उदास हो जाता है। तो दोस्तों आपने यह उपाय शनिवार के दिन ही करना है। आपने शनिवार या अमावस्या के दिन एक मुट्ठी काले तेल लेने हैं। दोस्तों काला तेल लेने के बाद आपने उस काले तेल को पूरे घर में घुमा देना है। दोस्तों ध्यान रहे, वो आपने जब काला तिल घर में घुमा रहे हो तो आपको किसी से बात नहीं करनी है। और दोस्तों काले तिल को घर में घुमाकर आपने अपने घर की छत पर चले जाना है। दोस्तों घर की छत पर जाने के बाद आपको उस काले तिल को अपने घर की छत पर फेंक देना है। दोस्तों आपने ऐसा करने के बाद अपने घर में वापस आना है। जी हां दोस्तों, शनिदेव या हनुमान जी के आगे एक सरसों के तेल का दीपक लगा देना है। और दोस्तों अगर शनिदेव के आगे लगा रहे हैं तो ओम शनि देवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है 21 बार और हनुमान जी और शनि भगवान को अपनी मन चाही इच्छा बता देनी है। और हनुमान जी को कर रहे हैं ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों जैसे जैसे वो काले तिल पक्षी खाएंगे वैसे वैसे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।